विकास नगर भीमावाला में हाई टेंशन लाइन मकान के ऊपर गिरने से मकान एवं घरेलू उपकरणों को हुआ नुकसान। विकास नगर के ग्राम भीमावाला टाइम्स वर्ल्ड स्कूल के पास में आज सुबह 8 बजे करीब 33,000 केवी लाइन जखवाल सिंह बाली के मकान के ऊपर गिरी। उस समय सुबह का वक्त होने के कारण घर वाले सो रहे थे और परिवार की गृहिणी रसोई में कार्य कर रही थी। डीसीबी न्यूज संवाददाता ने घर वालों से जानकारी ली तो उनका कहना है कि एकदम से कुछ समझ नहीं आया, ऐसा लगा बारूद फटा हो। घर के उपकरण टीवी, गीजर, फ्रिज, एलईडी बल्ब, केबल की तार, स्विच बोर्ड और सप्लाई मीटर इत्यादि पार्किंग से जलकर खाक हो गए। गृहिणी ने बताया कि लगभग 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ है और ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई हादसा परिवार जन के साथ नहीं हुआ। मौके पर उपखंड अधिकारी विकास नगर मनोज कंडवाल ने बताया कि इंसुलेटर पंचर होने से 33,000 केवी ढकरानी पावर हाउस से विकास नगर के लिए सप्लाई आ रही है। लाइन की मरम्मत के लिए 12 सदस्य टीम मौके पर कार्य कर रही है। सुबह फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई लेकिन घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ रिपोर्टर राहुल सिंह, विकास नगर, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। यहाँ पर जो 33,000 केवी की जो लाइन है यहाँ पर तार टूटने के कारण जो है यहाँ पर आप लोग जो मौके पर मौजूद हैं, इस हाई टेंशन के जो टूटने से किसी को जन हानि या कोई जान माल के कोई नुकसान हुआ है सर? नहीं देखिए, जन हानि का तो कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ। एक फोन आया था कि उनका किसी का परिसर में टीवी वगैरह का जलने का, अब देखिए जब लाइट आएगी तब चेक करेंगे उसको। अच्छा, तो सर क्या यहाँ पर जो है आपके टीम जो है इस समय जो मौजूद है? जी हाँ, हमारी एक जुट लगी हुई है 12 आदमी की जो तार को खींच रहे हैं, सुधार करेंगे। अच्छा, थैंक यू सर। और जो हाई टेंशन लाइन जो आपके घर के छत के ऊपर से जो है ये जा रहा है, इससे जो है आपका क्या क्या नुकसान हुआ है गिरने से लाइन? मेरा नाम तेजिंदर कौर है, मैं सुगंधा सोनी परिवार से हूँ, उनकी पोते बहू। और सवेरे हम उठे और रसोई में मैं खड़ी थी और एकदम बठाके की आवाज़ आई, मेरे को नहीं पता, मैंने कहा देखूँ उठ के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को फिर सामने वालों का फ़ोन आया, मजदूरों का, बोले दीदी आप बाहर मत निकलना और आपके छत के ऊपर ऐसे हाई टेंशन गिरी हुई है। और इतने में मेरे घर के अभी उनका मैं फ़ोन ही सुन रही थी, फ़ोन सुनते सुनते अंदर से मेरे ऐसे पटाखे फूटने लगे, घर के अंदर हर जगह से आवाज़ आने लगी जैसे किसी ने सूखी बम रखे हुए। मगर ये है कि भाई मेरा फ़ोन जो हाथ में था काफ़ी दूर जाके गिरा और मैं समझ ना सकूँ मैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मगर मेरे बच्चे सो रखे थे, एक बस एक कमरा जो सेफ बचा जहाँ मेरी पप्पी थी और मेरी बेटी छोटी वाली। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ आपका होगा, एक अनुमान? 2-3 के तो अंदर आ ही गया होगा। अच्छा, क्योंकि फ्रिज वगैरह सब कुछ ही, अभी जब लाइट है तो सब कुछ है, जब बंद में इतना नुकसान हुआ तो चालू में कितना होता। अच्छा, इस जो हाई टेंशन लाइन जो आपके छत के ऊपर से जा रही, क्या इसके लिए आपने जो UPCL से आपने कभी जो है वो एप्लीकेशन होगा दिया है विभाग में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने पहले इसकी शिफ्ट करने के लिए उन्होंने पैसे कुछ जमा कर रखे। कितना पैसा लगभग? 5-6 लाख की, मेरे को पूरा पता नहीं है। तो बाकी मैंने उनसे भी बात करी जिन्होंने जिनसे हमने लिया, तो बाकी ये है कि उन्होंने कहा मैं अभी बाहर हूँ, उनकी कोई मजबूरी है वो नहीं आ सके, चंडीगढ़ में हूँ, तो उन्होंने कहा मैं जैसे आऊँगा तो मैं बात करूँगा। अब ये है कि मेरा लगभग जो नुकसान हुआ हुआ, मेरे बच्चे बच गए तो बस सब कुछ बचा। क्या बिजली विभाग वाले आपके घर आए थे? आए थे, उन्होंने अभी तक हमें से कुछ नहीं पूछा। उन्होंने, इनका कहना है कि आपके घर पे खाली टीवी फूकी है बस, उनका कहना है? नहीं, अभी तो फिलहाल जो नजर आ रहा है, अभी जब लाइट चालू होगी तब हम यूज करेंगे, तभी 2-3 बार तो मेरा इसकी फॉल्ट की वजह से वो एक बार गार्ड जो है पानी का तो वो 2-3 बार चेंज कर चुकी हूँ। अब क्या क्या हुआ अभी कुछ मेरे को पता नहीं। क्या मानते हो विद्युत विभाग की लापरवाही है? लापरवाही बोलेंगे, जब उन्होंने पैसा ले रखा तो इनको शिफ्ट क्यों नहीं करते? कि आज मेरे कोई घर का कोई प्राणी अगर एक आज जाता तो तब उनको आँख खुलेगी उनकी। मेरा बच्चा भी प्रदेश में बैठा हुआ, राजस्थान गया हुआ, मैंने उनको फोन करके बताया, तब उन्होंने कहा ऑनलाइन कंप्लेन कराई है, तब सबको इनको यहाँ पर सूचित हुआ। ठीक है भैया।